दंतेवाड़ा जिले के भांसी के जामर प्लांट में आगजनी की घटना में शामिल 9 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत DRG बस्तर फाइटर्स, दंतेवाड़ा CRPF 111 बटालियन और थाना फरसपाल के संयुक्त बल ने दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी क्षेत्रों में माओवादियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी भांसी निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आगजनी करने की घटना में शामिल थे। जिला दंतेवाड़ा में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बीजापुर और थाना जिला दंतेवाड़ा के सरहदी क्षेत्र में चिड्रापाल मुंडेर के जंगल पहाड़ी में नक्सलियों की उपस्थिति का सूचना, जिसमें कि प्रमुख रूप से कमालूर LOS कमांडर सोनू ओयाम, जो कि 20-25 सशस्त्र माओवादियों के साथ उपस्थिति का सूचना मिली, जिस पर जिला दंतेवाड़ा से DRG बस्तर फाइटर, CRPF 111 वाहिनी, F कंपनी फरसपाल तथा थाना फरसपाल का संयुक्त बल गश्त सर्चिंग के लिए रवाना हुआ था। गश्त सर्चिंग के दौरान फोर्स को देखकर कुछ संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गए कुल 9 व्यक्तियों में से 2 विधि संघर्षरत बालक हैं तथा 7 अन्य सदस्य हैं। इन सदस्यों में से 5 व्यक्ति CNM सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, 1 मिलिशिया मेंबर है और 1 DAKMS में काम करता है। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने भांसी निर्माण कार्य में लगे हुए वाहनों में आगजनी करने की घटना स्वीकार की। उपरोक्त माओवादियों के विरुद्ध थाना भांसी में अपराध क्रमांक 21-23 और धारा 147-48-49-435 IPC 25-27 आर्म्स एक्ट इस प्रकार का अपराध पंजीबद्ध कर आज दिनांक 7 तारीख को इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं रिमांड प्राप्त किया गया। साथ ही 2 विधि से संघर्षरत बालकों को बाल संरक्षण गृह भेजा गया है।